गांव वाले डरे हुए हैं दोस्तों, पूरा गांव वाले डरे हुए हैं। और रियल मायने में आप जानिएगा ना तो भूत का ही साया था। हम अपने आंख से देखे हुए हैं, मतलब अपने साथ रहे हैं, एहसास किए हैं कि एक अजीब सा शक्ति उनके शरीर में प्रवेश किया था। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, आप सब कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सबको 76वां आजादी की अमृत महोत्सव की ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं। दोस्तों कल जैसे परम मित्र और आप सबों के चाहता, हम सबके चाहता विजय भाई का तबीयत खराब था। बहुत सब ने बहुत जैसा कमेंट किया कि आखिर विजय भाई का तबीयत खराब नहीं है, वो दारू पी लिए हैं या तो वो नौटंकी कर रहे हैं, ये सब बिल्कुल ही सरासर है। एक्चुअली जो मैंने वीडियो डाला था ना पहले, मैंने जो वीडियो डाला था वो 3 दिन पहले का वीडियो था। उनका तबीयत पहले से ही खराब था, 3 दिन पहले से उनका तबीयत काफ़ी खराब था। और जब हम लोग हॉस्पिटल लेके, उनका असर धीरे धीरे करने लगा, जो कि हम बात कर रहे हैं शुक्रवार का रात का, ठीक है, फ्राइडे का रात का हम बात कर रहे हैं। जब उनका तबीयत अचानक खराब हो गया, उनके घर वालों को, हम लोग भी वहाँ मौजूद थे, रात भर हम लोग काफ़ी मतलब डरावना व्यतीत किए हैं उनके साथ। अजीब टाइप का आवाज़ कर रहे थे, दौड़ के भाग जा रहे थे, दरवाज़ा घर के अंदर रख रहे थे तो दरवाज़ा को पीट रहे थे, अजीब अजीब की आवाज़ निकाल रहे थे, मतलब रात भर काफ़ी डरे हुए थे, भाग रहे हैं, किस प्रकार से चिल्ला रहे हैं। बहुत आदमी को लगा है कि नहीं, ऐसा होता ना कि तेज बुखार होने के कारण में सिर में चढ़ गया है, बहुत आदमी कमेंट किए, बहुत आदमी वगैरह वगैरह कमेंट कर रहे हैं कि घास फूस खाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। एक्चुअली कुछ नहीं है, गांव के व्यक्ति हैं, शुद्ध पानी पीते हैं, कुआं का पानी में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होता। उस समय बिल्कुल ही नॉर्मल था, उनका कोई बुखार नहीं था, बिल्कुल ही नॉर्मल था। और उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब टाइप का कर रहा था, ऐसा डरावना था ना। और जैसे जहाँ लेके गए तांत्रिक के पास, आज आप देखिएगा तांत्रिक साफ साफ बता दिए कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तांत्रिक के पास जाने के, अच्छा अगर बुखार होता सिर पे चढ़ता तो वो तांत्रिक वो मतलब ओझा कुछ भी नहीं मानता है वो, लेकिन जब वो तांत्रिक के पास गए ना तो बिल्कुल ही नॉर्मल, बिल्कुल ही नॉर्मल, एकदम कुछ नहीं, बदमाशी कर रहा है, जो बोल रहा है वही कर रहा है, थोड़ा सा फिर साइड हो रहा है जैसे ही, वैसे ही फिर चालू हो जा रहा है। तो पूरा आज आप लोग वीडियो में देखिएगा ना, उनका वीडियो में, तो आपको साफ पता चल जाएगा कि विजय भाई का आखिर क्या हुआ था, आप लोग भी समझ जाइएगा। उसके साथ हम लोग व्यतीत किए, पूरा गांव वाले डरे हुए हैं दोस्तों, पूरा गांव वाले डरे हुए हैं। और रियल मायने में आप जानिएगा ना तो भूत का ही साया था। हम अपने आंख से देखे हुए हैं, मतलब अपने साथ रहे हैं, एहसास किए हैं कि एक अजीब सा शक्ति उनके शरीर में प्रवेश किया था। तो आप लोग गलत कमेंट मत कीजिएगा, सही कमेंट कीजिएगा। और रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनसे जैसे प्यार बना होगा तो वैसे ही प्यार बना के रखिएगा। तो चला, और आज उनका वीडियो आएगा, आप लोग देखिएगा। उनको झाड़फूक भी कराने के लिए लेके गए थे हम लोग रात में कल, हाँ। तो अभी हम ये वीडियो नहीं डाल रहे हैं, बस हम आप सबों से ये विनती कर रहा हूँ जो कि उनका वीडियो को देख कर गलत गलत कमेंट कर रहे हैं कि भाई साहब वो बिल्कुल ही पीते नहीं हैं, वो कोई नशा नहीं करते, वो गरीब घर का एक बंदा है, जो कि आप उसका देखते हैं वीडियो शुरू से लेकर, वो बिल्कुल ही स्ट्रगल किया अपना लाइफ में और बहुत ही अच्छा लड़का है। गलत कमेंट मत कीजिए, अच्छा प्यारा कमेंट कीजिए। और आप लोग दुआ कीजिए कि उनका जल्द से जल्द उनका शरीर ठीक हो और जो साया है, भूत प्रेत का साया है, उनके शरीर से निकल जाए। और उनका फैमिली भी काफ़ी डिप्रेशन में है, अभी फैमिली जो है ना काफ़ी डिप्रेशन में है दोस्तों। रिया भाभी के बहुत सारे आदमी कमेंट कर रहे थे रिया भाभी कहाँ है, रिया भाभी का अभी चल रहा है सिचुएशन इतना ख़राब, क्योंकि उनका तो लगभग लगभग 8-9 मंथ चल रहा है प्रेगनेंसी का, और उसमें वो कैसे कहाँ जा सकते हैं, इसलिए काफ़ी चिंतित है और घर में है और खुशहाल है, मतलब खुशहाल नहीं, ठीक है। तो आप लोग दुआ कीजिए कि सब कुछ अच्छा हो और विजय भैया का जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। बाद बाकी आप उनका ब्लॉग में देखते कीजिएगा, ठीक है, वही अपना ब्लॉग में छोड़ेंगे उनके माध्यम से। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए ब्लॉग वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सभी विजय भाई को जैसे प्यार दे रहे हैं तो ऐसे प्यार दीजिएगा, और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नए ब्लॉग वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।